बच्चे तुम कब आए? बस अभी आया। इतने दिनों बाद आए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आते ही कोई सलाम दुआ नहीं, बस लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। तुम ना चुप हो जाओ, तुम ना मुझे लड़ने पे मजबूर कर रहे हो। ठीक है, मैं वापस चला। खबरदार जो तुमने हवेली के बाहर कदम भी निकाला, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और तुम एक बात याद रखो, तुम्हारी बॉडी शॉडी से ना शमा नहीं डरती है। तुम डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ रुकना है या मुझे जाना। तुम लड़ना चाहती हो मुझसे? तुम यहाँ रुको और चुप हो जाओ, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। और चलो अंदर चलो, आलिया आप ही और अम्मी जी तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएंगी। वेलकम बैक। ये क्या बदतमीजी है? कैसी बदतमीजी? अरे हमारी शादी होने वाली है, नवाब साहब फैसला सुना चुके हैं और तुम ट्रेनिंग से लौट आयो। अब तो मैं यहाँ इसी कमरे में रहूंगी तुम्हारे साथ। मैं आता। उठो उठो यहाँ से अभी इसी वक्त, और निकलो मेरे कमरे से। चंद दिन बाद तो मुझे इस कमरे से नहीं निकाल सकोगे। तसीम, बकवास बंद करो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हमारी शादी होगी, तो ये भूल है तुम्हारी। मैं भूल सकती हूँ, तुम भूल सकते हो, लेकिन नवाब साहब, नवाब साहब कैसे भूलेंगे मेरा तुम्हारे कमरे से रात गए बाहर निकलना और घर की इज्जत के लिए हमारी शादी तय करना। कैसे मिटाओगे तुम उनके जहन से ये सब? क्या मतलब, ये सारा खेल तुम्हारा रचाया हुआ है? तुमने ताया जान को धोखा दिया? धोखा तो तुम मुझे दे रहे हो, यही कहेंगे सब। तुम मुकम्मल तौर पे ट्रैप हो चुके हो आदिल। शट अप।